दोस्तों आप दूध तो जरूर पीते होंगे और दूध को खाली नहीं बल्कि उसमें कुछ मिलाकर पीते होंगे, जैसे कि शक्कर, बॉर्नविटा आदि, ताकि आपका दूध मीठा हो जाए। और आजकल तो डॉक्टर्स भी बच्चों को प्रोटीन और विटामिन से भरी चीज़ें दूध के साथ मिलाकर पीने को कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डॉक्टर्स हमें दूध के साथ नमक मिलाकर पीने को क्यों नहीं कहते? अब आप पूछ रहे होंगे, यार ये कैसा सवाल है, भला कोई दूध में नमक मिलाता है क्या? लेकिन सवाल ये है कि आखिर दूध के साथ नमक क्यों नहीं मिलाया जाता? तो इसका जवाब है कि नमक और दूध की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। दूध में ग्लूकोज होता है और दूध मधुर होता है, जबकि नमक खारा होता है। दूध के साथ ऐसे किसी पदार्थ का समावेश जो उसके प्रकृति से बिल्कुल अलग है, दूध के सारे पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि दूध में अतिरिक्त पानी न मिलाया जाए, नहीं तो जितने पोषक तत्व होते हैं वह भी हमें नहीं मिल पाएंगे। दूध हमेशा ग्लूकोज से युक्त पदार्थों के साथ अथवा खाली ही पीना चाहिए। किसी भी तरह का अन्य पदार्थ का समावेश दूध की गुणवत्ता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि दोनों ही पदार्थ यानी दूध और नमक प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम ने पचा नहीं पाता, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र खराब हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिनके कारण नमक और दूध को एक साथ नहीं लिया जा सकता है।